किसी एक सिस्टम के दो पर्टिकुलर पॉइंट्स कोई पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो करते हुए मूव करते हैं, तो उस रिलेशन को हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। इस वीडियो में कंस्ट्रेंट रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसमें ये पुली फिक्स्ड है और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसको हमने पुली के थ्रू पास करवाया है। अभी इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं सिस्टम को, लेट से ये फर्स्ट पार्ट है और ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, और यहाँ पे ये इस सिस्टम का सेकंड पार्ट और ये सेकंड ब्लॉक। फर्स्ट पार्ट में मैं कुछ भी लेंथ इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ, तो सेकंड पार्ट से उतना ही लेंथ डिक्रीज होना चाहिए या फिर इंक्रीज होना चाहिए उतना ही लेंथ, क्योंकि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। जैसे अभी हम इसको 5 सेंटीमीटर फर्स्ट ब्लॉक को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर ऊपर आया, या फिर मैं फर्स्ट ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर अगर मैं मूव कर रहा हूँ किसी एक डायरेक्शन में, तो 10 सेंटीमीटर ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। रीज़न इसका समझ में आया तुमको, क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे हमको जो चीज़ें समझना है, जो पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन जो अभी हमको मिला है वो क्या मिला है सिस्टम में, कि स्ट्रिंग के एक एंड को मैं एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ किसी डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग का दूसरा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस मूव कर रहा है। ओके, दूसरा, ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हमको यहाँ पे मिला है, ये इन दोनों ब्लॉक्स के मासेस से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मास कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये पुली फिक्स्ड होगी और ये सिंगल स्ट्रिंग है, इसके किसी भी एंड को मैं एक्स डिस्टेंस मूव करूंगा, तो दूसरा एंड एक्स डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ जी, ना जी, है ना। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दोस्तों, इस अरेंजमेंट में कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होना चाहिए अगर हमको ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब मैं फर्स्ट ब्लॉक को 5 सेंटीमीटर मूव करवा रहा हूँ, तो ये सेकेंड ब्लॉक 10 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, या फिर मैं इसको 10 सेंटीमीटर मूव करवाऊं तो ये सेकेंड ब्लॉक 20 सेंटीमीटर मूव किया, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम क्या यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस मूव कराने पे सेकेंड ब्लॉक 2x डिस्टेंस मूव कर रहा है, हाँ या नहीं? या फिर फर्स्ट ब्लॉक को एक्स बाय टू डिस्टेंस मूव कराऊंगा तो सेकेंड ब्लॉक एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, सेम ही बात है ना। तो ये यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन है। इसको समझने के लिए हम लोग सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ये सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पे ये सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिंग का जितना लेंथ है, हमको ये ऑब्जर्व करना है कि इस पार्ट में लेंथ कितना इंक्रीज हुआ और सेकेंड पार्ट से लेंथ कितना डिक्रीज हुआ। इस ब्लॉक को मैं 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा हूँ और इसको मैं अपना रेफरेंस लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, तो हमको अभी बस इतना ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट पार्ट में कितना लेंथ इंक्रीज हुआ। 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 10 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हुआ, लेकिन ब्लॉक को हमने 5 सेंटीमीटर ही मूव किया। फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हुआ, तो सेकेंड पार्ट से 10 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज ही होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। अभी इस केस में फर्स्ट पार्ट में कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है ये ऑब्जर्व करना तुम लोग। मैं इस ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर मूव करने वाला हूँ अभी, इसको मैं 10 सेंटीमीटर ये मैंने मूव करवाया, 10 यहाँ 10 यहाँ,
है ना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज़ होना चाहिए सेकेंड पार्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? इस ब्लॉक को मैं x डिस्टेंस मूव करा रहा हूँ, तो x यहाँ 2x लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो ये जो हमारा सेकेंड पार्ट था उससे 2x लेंथ डिक्रीज़ हुआ होगा। ये यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन है इन ब्लॉक्स के बीच में। और एग्जांपल्स अभी हम लोग समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग इस अरेंजमेंट में डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखते हैं, और उसी से हमको कंस्टेंट रिलेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक को मैं अभी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करूँगा, तुम लोग ऑब्जर्व करना है कि सेकेंड ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव किया। देखो इसको अभी मैं यहाँ पे अभी मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव किया, कितना मूव किया ये 15 सेंटीमीटर, या फिर चलो अभी मैं इसको 5 सेंटीमीटर अपर डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो अब इसका मोशन ऑब्जर्व कर लो, ये 5 सेंटीमीटर मैंने इसको मूव किया, 15 सेंटीमीटर नीचे आया। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट ब्लॉक को x डिस्टेंस मूव कराएंगे तो सेकंड ब्लॉक 3x डिस्टेंस मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फर्स्ट ब्लॉक को x बाय 3 मूव कराने पे सेकंड ब्लॉक x मूव करेगा, सेम ही बात है। 10 सेंटीमीटर मूव करा के देखते हैं, इसको भी हम लोग 10 सेंटीमीटर मूव करवाते हैं, कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक को x मूव कराने पे ये जो सेकंड ब्लॉक है ये 3x मूव कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है, और अभी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग इन दोनों एंड्स में से एक एंड को फिक्स करेंगे और दूसरे एंड को मूव करा के देखेंगे कि उस एंड को x मूव कराने पे ये ब्लॉक कितना मूव करता है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये येलो कलर की जो स्ट्रिंग है उसके एंड को हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो इस एंड को फिक्स किया तो ये भी मूव नहीं करेगा और ये पुली मूव नहीं करेगी। फर्स्ट केस हो गया ये अपना, जिसमें अब मैं रेड कलर के स्ट्रिंग के इस एंड को x मूव करूँगा तो ये ब्लॉक x से डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी कि इस एंड को x मूव कराने पे ये ब्लॉक x मूव किया। ओके, अब हम लोग इस एंड को फिक्स कर रहे हैं और ये दूसरे एंड को मूव करा के देखेंगे। अच्छा, इस एंड को हमने फिक्स किया और इस दूसरे को हम मूव करेंगे, तो यहाँ पे इसको x मूव करने पे ये वाला एंड येलो कलर की स्ट्रिंग का ये x ही मूव करेगा, सिंगल स्ट्रिंग है और ये पुली फिक्स्ड है ना, और इस एंड के साथ में ये पुली अटैच्ड है, तो जितना ये एंड मूव करेगा पुली भी उतनी डिस्टेंस मूव करेगी, ये भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। और हम फिर से यहाँ पे रेफरेंस लाइन कंसीडर कर लेंगे, तो रेफरेंस लाइन ये कंसीडर करी, इस एंड को मैंने x मूव किया, ये एंड x ऊपर गया, पुली x ऊपर गई, यहाँ पे x और x 2x लेंथ इंक्रीज हुआ। एक बार फिर से देखो, इसको मैं x मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे x और x 2x लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये ब्लॉक 2x ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि येलो कलर की इस स्ट्रिंग के एंड को x डिस्टेंस मूव कराने से ये ब्लॉक 2x ऊपर जा रहा है, और इन दोनों स्ट्रिंग के इन दोनों एंड्स को साइमल्टेनियसली x डिस्टेंस मूव कराने पे इसकी वजह से x, इसकी वजह से 2x, 3x वो ऊपर जा रहा है। हाँ जी, ना जी, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी निपटाते हैं अभी, ऑब्जर्व करो बस तुम लोग। मैं इसको 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा हूँ, वो ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है देखो तुम लोग, कितना ऊपर गया है, 35 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर अब मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूँ, कितना गया हो नीचे गया, 35 सेंटीमीटर, है ना। इस ब्लॉक को x मूव कराने पे वो जो है वो 7x मूव कर रहा है। इसको समझना बहुत ही ईजी है हमारे लिए, क्योंकि इस एंड को मैं फिक्स कर दूंगा
तो ये इसके पहले वाला सिस्टम हो जाएगा यहाँ तक। इन दोनों को मैं x मूव कराऊंगा तो ये 3x मूव करेगा, ये 3x मूव करेगा, और यहाँ पे रेफरेंस कंसीडर कर लूँ कहीं पे मैं, तो 3x 3x लेंथ बढ़ जाएगा, तो 6x लेंथ बढ़ेगा, तो ये ब्लॉक 6x ऊपर जाएगा। ओके, तो इन दोनों एंड्स को x मूव कराने से वो 6x ऊपर जाएगा, और इन दोनों को फिक्स करके सिर्फ मैं इस एंड को x मूव कराऊंगा तो वो उसकी वजह से तो x ही ऊपर जाएगा अभी, है ना। और अब इन तीनों स्ट्रिंग के एंड्स को साइमल्टेनियसली x मूव कराएंगे, तो इस एंड की वजह से x, इन दोनों की वजह से 6x, और वो ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, 7x, कितना ऊपर गया, 7x। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक को एक्स मूव कराने पे ये पॉइंट एक्स मूव करेगा, ये 3x मूव करेगा, ये 7x मूव करेगा, ये 15x मूव करेगा, और ये पॉइंट 31x मूव करेगा। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।